जो लोग इसे एकदम नेचुरल प्रोसेस बोलते हैं या ये बोलते हैं कि ये तो बस एक बॉडी की नीड है, भाई क्या आप जानते हैं कि आपके ऐसे स्टेटमेंट्स टीनेज बच्चों पे कितना खतरनाक इम्पैक्ट डालते हैं। वो बच्चे ऑलरेडी वेट कर ही रहे थे कि बस कोई आके उन्हें उनके मास्टरबेशन के गिल्ट से मुक्त कर दे, और वो आपके ऐसे स्टेटमेंट्स कर देते हैं। फिर वो इसे नॉर्मल सोच के, बॉडी की नीड सोच के पॉर्न से एडिक्टेड हो जाते हैं, फिर अपना पूरा वैल्यूएबल टाइम बर्बाद करते हैं। दो दो तीन तीन घंटे लगे हुए हैं। वो जो गिल्ट था ना, वो ही उन्हें रोक के रखता था। उसी वजह से उनकी ये लस्टफुल एक्टिविटीज के बीच में थोड़ा टाइम गैप होता था। लेकिन आप इसे नेचुरल बोल के उनके इस गिल्ट को खत्म कर देते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं पर्सनल व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब कमेंट्स में, इनफैक्ट कॉल्स भी आते हैं, तो इसीलिए दिस वीडियो। उसके अलावा हम देखते हैं कि ऑनलाइन बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, जैसे किसी प्रोजेक्ट में एंगेज हो जाओ या फिर नो फैप चैलेंज। लेकिन इन लस्टफुल डिजायर्स को रोकने के लिए इतने स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस देखने को नहीं मिलते, इसीलिए भी दिस वीडियो। तो सबसे पहले ये गलत है या नहीं, ये जानने के लिए आप बस एक बार अपने आप से पूछिए कि आपने जब पहली बार कुछ ऐसा किया था तो आपको अंदर से गिल्ट की आवाज आई थी ना, आई थी ना, आई थी ना, एक आवाज जो बोल रही थी कि यार ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया। वो गिल्ट की आवाज नहीं, वो अंदर बैठे परमात्मा सुपर सोल की आवाज थी जो बोल रहे थे कि बेटा रुक जा, मत कर, ये तो गलत कर रहा है। और सिर्फ इस केस में नहीं, जब भी आप कोई भी गलत काम करने जाते हैं तो आपको एक अंदर से आवाज आती है कि बेटा रुक जा, मत कर, तू गलत करने जा रहा है। लेकिन अगर वही काम हम बार 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 करेंगे तो वो कॉन्शियसनेस की आवाज दबती चली जाएगी। और अगर हमें बीच में कोई ऐसा बोल दे कि ये तो एकदम नॉर्मल प्रोसेस है जी, ये तो एकदम बॉडी की नीड है, तब तो वो आवाज एकदम गायब हो जाएगी। तो पहले डिस्कस करेंगे नो फैप चैलेंज जैसे सॉल्यूशंस जिसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स और स्टार्स भी प्रमोट करते हैं। जो लोग नहीं जानते, नो फैप एक सपोर्ट ग्रुप बेस्ड पॉर्न एडिक्शन से लड़ने का अप्रोच है, जो ये सब हरकतों से एक व्यक्ति को रिकवर करवाता है, उसे कंट्रोल करवाता है। बेसिकली पूरा चैलेंज, ये पूरा सपोर्ट इस आधार पे बेस्ड है कि कैसे ये पॉर्न और ये सब हरकतें एक व्यक्ति के दिमाग पे कितना और किस हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, और ये सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और उसके लिए आप एक बुक पढ़ सकते हैं, योर ब्रेन ऑन पॉर्न। अगर आपको इस बुक को पढ़ने में टाइम और पैसे वेस्ट नहीं करने हैं तो आप बहुत जल्दी इस बुक की एक कुक समरी सुन सकते हैं कुकू एफएम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। साथ साथ 8-8 मिनट के 12 चैप्टर हैं जो आप अपने हिसाब से अपनी स्पीड करके सुन सकते हैं, और यकीन मानिए आपको खुद पता चलेगा कि कितना भयंकर इम्पैक्ट है इस पॉर्न का एक व्यक्ति के दिमाग पे। तो ये जो नोफैप चैलेंज वाला सॉल्यूशन है, क्या ये एक रियल सॉल्यूशन है? जी नहीं, ये एक आर्टिफिशियल और एक्सटर्नल सॉल्यूशन है। हम इस चैलेंज को अपना के अपने लस्टी डिजायर्स पर कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि लस्टी डिजायर्स सिर्फ पॉर्न वगैरह देखने से नहीं आते, बहुत जगह से आते हैं। आप अपनी इंस्टाग्राम रील्स उठा लो, यूट्यूब शॉर्ट्स उठा लो, या फिर फेसबुक वगैरह खोल लो, हर जगह बस गंदगी भरी हुई है। पूरा सोशल मीडिया इस हवस से भरा हुआ है, हम इस गंदगी से हर जगह से घिरे हुए हैं। तो अब क्या करें, सोशल मीडिया भी यूज करना बंद कर दें? तो अब यहां आता है स्पिरिचुअल एंगल, जो कि मानो या मत मानो इज द ओनली परमानेंट सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन के पीछे जो स्पिरिचुअल फिलॉसफी है वो क्या कहती है, पहले वो जान लेते हैं। तो फिलॉसफी के अकॉर्डिंग अगर हमारी कोई आदत है और अगर हम उस पर कंट्रोल करना चाह रहे हैं और काफी समय तक कंट्रोल करके रखा है, तब भी उस आदत का टेस्ट हमेशा हमें याद रहेगा, वो बना रहेगा। उस टेस्ट को कैसे भूलेंगे, वो कैसे जाएगा? वो जाएगा तब जब हम उससे अच्छी आदत, उससे हायर टेस्ट देने वाली आदत को पकड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपको आलू मटर की सब्जी बहुत पसंद है और आप रोज खा रहे हो, फिर कुछ समय बाद आपको लगा कि यार आपको आलू मटर की सब्जी पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन आपसे तब भी कंट्रोल नहीं हो रहा। फिर एक दिन आपकी मम्मी ने आपके लिए घर में शाही पनीर बनाई और आपने शाही पनीर पहली बार खाया, तब क्या आप आलू मटर की सब्जी और शाही पनीर में से आलू मटर की सब्जी को चुनोगे? 99% शाही पनीर ही चुनेंगे। क्यों? क्योंकि आपने दोनों सब्जियों का टेस्ट अपनी जीभ पे रख के रियलाइज किया है और आपको पता है कि शाही पनीर का टेस्ट ज्यादा हाई है। एंड बाय द वे, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को आलू मटर की सब्जी ज्यादा पसंद हो, तो प्लीज कमेंट में भर मत देना कि भैया मुझे तो आलू मटर पसंद है। और जितने भी वीगन्स ये वीडियो देख रहे हैं, सॉरी, प्लीज दिल पे मत लेना, दिमाग में शाही पनीर ही एग्जांपल आया। इसी तरह जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज प्रैक्टिस करते हैं, आगे प्रोग्रेस करते हैं, तो धीरे धीरे विद टाइम हम ये रियलाइज कर लेते हैं कि यार ये जो लस्टफुल डिजायर्स है ये तो बहुत ज्यादा लोअर टेस्ट है। ये तो थी फिलॉसफी। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में, जो हमें इस फिलॉसफी तक पहुंचने में हेल्प करेगा और ये रियलाइज कराएगा कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज तो बहुत ज्यादा हाई टेस्ट है। तो वो सॉल्यूशन है एसोसिएशन।
Yes, बहुत बढ़िया बात है, ध्यान से समझना। जैसा आपका एसोसिएशन होगा वैसे ही आपके मन में डिजायर्स बनेंगे और फिर उन डिजायर्स पर आप एक्ट करेंगे। मतलब आपके कर्म उन्हीं डिजायर्स पर बेस्ड होंगे जो आपकी एसोसिएशन से उत्पन्न हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप आवारा लड़कों के साथ एसोसिएट कर रहे हैं जो ट्यूशन जाते वक्त या फिर ट्यूशन का बंक करके पार्क में बैठ के गंदी गंदी बातें करते हैं, लड़कियों की बातें करते हैं, तो ऑब्वियसली आपके मन में लस्टफुल डिजायर्स आएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप साधुओं के साथ या फिर इंटेलिजेंट, फोकस्ड, हार्ड वर्किंग लोगों के साथ एसोसिएट करेंगे तो आपके मन में लस्टफुल डिजायर्स बहुत बहुत कम आएंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारा इंस्टाग्राम रील या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर फेसबुक वगैरह करना जहां पर बस गंदगी भरी हुई है, मतलब बस ये सब भी एक गंदा एसोसिएशन है और इससे भी आपके मन में 100% लस्टफुल डिजायर्स आएंगे। कसम से ये जो हमारे दिमाग की बैंड बजाते हैं ना, आप इसे समझने के लिए अगर पूरी बुक नहीं तो बस ये चैप्टर 9 जरूर सुन लेना, डोपामिन का काम, सुपर्ब एक्सप्लेनेशन है। और देखो, मोटिवेशन के लिए, सेल्फ केयर या हेल्थ के लिए कुकू एफएम पर 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज हैं। अगर आप हमारा प्रोमो कोड BKT50 डालोगे तो आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ भी मिल जाएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ओके, तो इस सोशल मीडिया की गंदगी से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे ही ऐसी कोई रील या फिर ऐसी कोई फोटो या फिर कोई वीडियो आपके सामने आती है जो आपके अंदर लस्ट जनरेट कर रही है या फिर आपको फीलिंग आ रही है यार दिस इज नॉट गुड, तो आप उसी वक्त उस चैनल को या उस अकाउंट को रिपोर्ट, हाइड, ब्लॉक, फिनिश, खत्म। और जब आप कुछ महीने तक ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तब यकीन मानिए आपकी फीड क्लीन होती जाएगी, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सभी चैनल्स गायब होते जाएंगे, जितने भी हैं 50, 100, 250, 500 सब उड़ते चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे और हमारी फीड, हमारे अकाउंट्स एकदम साफ हो जाएंगे। तो जो हमारा सॉल्यूशन है एसोसिएशन, भाई कुछ भी करके एसोसिएशन पकड़ो, एक हाईली एलिवेटेड स्पिरिचुअल पर्सनालिटी की एसोसिएशन पकड़ो और अच्छे से। ऐसा नहीं कि आप एक हफ्ते में एक बार रेसिप्रोकेट कर रहे हैं 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए, नहीं, कुछ सेवा पकड़ लो या कुछ भी करके आपको पर्सनल एसोसिएशन लेनी होगी। ओके, तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपनी कंट्रोलिंग पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और इन सब लस्टी डिजायर से, इन सब हरकतों से बच सकते हो। ओके, सबसे पहले नो स्वीट्स या फिर जितना हो सके उतना कंट्रोल। I know, आप सोच रहे हैं कि भाई ये क्या कनेक्शन है, लेकिन कनेक्शन है, क्योंकि मीठा हमारी टंग को कमजोर बनाता है, हमारे सेंसेस को वीक करता है, हमारे दृढ़ निश्चय को तोड़ता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो बस 2 हफ्ते ट्राई करके देख लीजिए, आप खुद डिफरेंस देखेंगे कैसे आप लस्टी डिजायर्स को कंट्रोल करने के साथ साथ अपनी स्पीच को भी कंट्रोल कर पाएंगे, मतलब सही समय पर सही बात और सही शब्द बोलने लगेंगे। दूसरा पॉइंट है, बहुत ज्यादा मसालेदार, चटपटा, लाल मिर्च से भरा हुआ खाना अवॉइड करें, क्योंकि ऐसे राजसिक भोजन जब हमारे अंदर जाते हैं तो हमें पैशनेट बनाते हैं और फिर वही पैशन हम कहीं ना कहीं निकालने चलते हैं गुस्से के रूप में या फिर भयंकर एडवेंचर करके या फिर ये सब हरकतें करके। और तीसरा पॉइंट है, वहां से खाना अवॉइड करें जहां आपको नहीं पता कि ये खाना किसने बनाया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि खाना बनाने वाले की कॉन्शियसनेस जो खाना बन रहा है उस पर इंपैक्ट डालती है और अल्टीमेटली ये आपकी कॉन्शियसनेस पर इफेक्ट करती है। एंड आई नो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना हो सके उतना अवॉइड करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो जब ये लस्टफुल डिजायर्स आते हैं ना, सो डू नॉट एक्ट अपॉन देम, इनकी मत सुनो। जब आप अपने अनर्थास के ऊपर एक्ट करेंगे तो वो उतने ही स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। और बहुत से लोग ये बोलते हैं कि आपको ये सब डिजायर्स निकाल लेने चाहिए वरना ये अक्यूमुलेट हो जाएंगे, ये एकदम बकवास बात है। आप अगर इन लस्टफुल डिजायर्स पे एक्ट करोगे तो वो उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे। सो नाउ चॉइस इज योर्स, आप इन डिजायर्स पे एक्ट करके इन्हें स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या फिर अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज पे एक्ट करके अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, जैसे सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं, लेकिन अभी के लिए हम बस इतना ही डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वरना वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं फिर से कहूंगा कि हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पॉइंट हमारे दिमाग पर कितना भयंकर इंपैक्ट डालता है। उसके लिए आप कुकू एफएम एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये वाली बुक जरूर सुने।